Hey guys, this is Sonam Singh and you are watching Shyama Astrology. और हम आज बात करेंगे कि गुरु का जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है धनु राशि में 5 नवंबर 2019 को, तो जो ये राशि परिवर्तन है ये धनु राशि के लिए कैसा होने वाला है, आज हम इस वीडियो में इस टॉपिक पे बात करेंगे। धनु राशि वाले लोग पिछले 2 साल से शनि की साढ़े साथी जो है वो फेस कर रहे हैं, शनि की साढ़े साथी का पीक फेस फेस कर रहे हैं। और हाँ, पिछले मार्च 2019 से जब से केतु उनके लगन में आया है और शनि और केतु की युति जो उनके लगन में पड़ रही है, जो उनके राशि पे पड़ रही है, वो उन्हें बेहद परेशान कर रही है। और क्योंकि उनका जो लग्नेश है, राशि का जो स्वामी है, वो 12वें बैठा हुआ है, द्वादश बैठा हुआ है, तो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम वाला टाइम था 2019 में। अभी तक उन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है फेस करी है। पर अब एक खुशी की बात यह है कि आप जितनी भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो शनि की साढ़े साथी की वजह से, केतु के इफेक्ट की वजह से, तो अब इन सारी प्रॉब्लम्स से आपको बचाने के लिए आपकी लगन का स्वामी, आपकी राशि का स्वामी आपके लगन में आ रहा है, आपकी राशि में आ रहा है। और जनवरी के बाद जब शनि भी राशि परिवर्तन करेंगे, मकर राशि में जाएंगे, तो आपके लिए जो सिचुएशन है वो बेहद इम्प्रूव होने वाली है। ये बिल्कुल वैसी ही सिचुएशन है जैसे खोए हुए बच्चे को उसके मम्मी पापा मिल जाते हैं, वैसे ही आपको आपके बचाने के लिए आपके मम्मी पापा के फॉर्म में गुरु जो है आपके लगन में आ रहा है। अब वो कह रहे हैं कि आपने बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है आपने फेस कर लिए, अब आपकी सिचुएशन में, खराब सिचुएशन में जो है राहत होगी, आपके बिगड़े काम जो अभी तक बिगड़ रहे थे उनमें आपको सुधार नजर आएगा, उनमें आपको इम्प्रूवमेंट नजर आएगा। 5 नवंबर के बाद वो सारी चीजें जो आप बहुत लंबे टाइम से सोच रहे थे करने का, एग्जीक्यूट करने का, और जिनमें अड़चने आ रही थी, जो शनि और केतु की युति की वजह से आपको बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी, आप वो काम नहीं कर पा रहे थे, अब वो सारे काम आप 5 नवंबर के बाद आप कर सकते हो, आपको उसमें रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ओवरऑल इट इज अ वेरी गुड टाइम, ये बहुत अच्छा टाइम है नए चेंज के लिए। अगर आप वर्क में, बिजनेस में कुछ चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए टाइम बहुत अच्छा है। आपकी समाज में, आपकी सोसाइटी में मान सम्मान और प्रतिष्ठा जो है वो बढ़ेगी। जब भी गुरु लगन में आते हैं तो ये टाइम होता है नए चेंज का। ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ पुराने रिलेशनशिप जो है उनको अलविदा कहने का जो टाइम है वो आ चुका है। और क्योंकि गुरु जो है वो लगन में बैठ के 5th, 7th और 9th हाउस को देख रहे हैं, 5th हाउस चाइल्ड बर्थ के लिए, क्रिएटिविटी के लिए बहुत अच्छा है। लव मैरिज से अगर आप मैरिज करना चाहते हो, लव से मैरिज में जाना चाहते हो, तो उसके लिए टाइम बहुत अच्छा है। मैरिज के लिए टाइम अच्छा है, पार्टनरशिप के लिए टाइम अच्छा है, न्यू बिजनेस, न्यू वेंचर्स के लिए टाइम अच्छा है, रिलीजियस ट्रैवलिंग के लिए, हायर लर्निंग के लिए टाइम जो है वो बहुत अच्छा है। इस टाइम आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है। और हाँ, ये भी हो सकता है कि आप अपनी सोशल लाइफ में इतने ज्यादा बिजी हो जाओ कि आप अपनी फैमिली पे ध्यान ना दे पाओ, तो फैमिली के लिए थोड़ा स्पेशल जो टाइम है वो जरूर निकालिएगा। इस टाइम एक बात का और ध्यान रखना है, अपने ईगो पे, अपने प्राउड नेचर पे थोड़ा कंट्रोल करने की जरूरत है। और हाँ, अगर आपको कोई भी एडवाइस दे तो उस एडवाइस पे जरूर सोचिएगा, हो सकता है आपके बेनिफिट के लिए हो। तो ओवरऑल धनु राशि के लिए बहुत अच्छा टाइम आने वाला है, आफ्टर अ लॉट ऑफ स्ट्रगल्स एंड हर्डल्स, तो आप इस टाइम को फुल एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। तो गाइज, ये था मेरा प्रेडिक्शन, आई होप आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय।